Hello students, welcome to Bullseye Jaipur. My name is Pankaj Sharma and today we are going to discuss a Belt and Road Initiative as well as we are also going to discuss the Blue Dot Network. So start karte hain student aaj ka lecture. Jo Belt and Road Initiative hai, ye 2013 mein China ne introduce kiya. China want to connect with the world, chahe wo via sea route ho, chahe wo via train ho ya fir aapka land route ke through ho. इसका जो एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको इंडिया अपोज करता है उसका नाम है स्टूडेंट सीपीईसी. हियर सीपीईसी स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. आपको याद रखना है कि चाइना ने 2013 में इसकी शुरुआत की. चाइना ने पूरी दुनिया को बताया कि हम आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लस हम अच्छे रेल रोड जब बना लेंगे तो विल बी बेटर कनेक्टेड. और बेटर कनेक्टिविटी का फायदा यह होगा कि म्यूचुअल गुड्स जो है वो हम एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं. ये चाइना का प्लान है स्टूडेंट्स. इसके दो पार्ट हैं, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यानी के वायर रोड आप किस किस से कनेक्ट हो सकते हैं. ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, चाइना हो गया, ऊपर आप मंगोलिया तक जा सकते हैं, रशिया तक. अभी मैं मैप में आपको एक बार दिखा देता हूं. एक बार मैप में हम एक्सप्लेन करते हैं आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या चीज है. स्टूडेंट ये मैप है आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, बहुत ही शानदार मैप है. इसमें आप समझिएगा पूरा. आप ये देखिए, ये है इंडिया. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना इज नोन एज वर्ल्ड फैक्ट्री. पूरी दुनिया की जो फैक्ट्री है वो है आपका चाइना. एंड चाइना वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी पुअर कंट्री सो दैट उनके ऊपर प्रेशर बनाकर उसको अपना मार्केट क्रिएट किया जाए. इंडिया जो है वी ऑल नो, हम लोगों ने शुरू से ही बोलना शुरू कर दिया. नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी ने बोलना शुरू किया कम एंड मेक इन इंडिया. We all know कि भारत में 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है और भारत बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है चाइना के लिए. बट इंडिया चाइना को इतना एंटरटेन नहीं करता कि वो अपने घर से रोड बनाने के लिए इसको आने दे, अपने सारे पोर्ट्स को यूज करने दे. इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, चाहे वो बीजेपी की सरकार है या फिर कांग्रेस की है. बट हमारा एक पड़ोसी मित्र है जिसका नाम है पाकिस्तान. यू ऑल नो कि पाकिस्तान में ये लोग पहुंच गए और इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया. आप समझिए चाइना की पॉलिसी स्टूडेंट. चाइना एक ऐसा देश है, गरीब देशों में जाकर हैवी लोन सेंक्शन करता है, आपको बहुत बड़े लोन देगा. पाकिस्तान को भी लोन दिया, श्रीलंका को भी लोन दिया. और जिस चीज के लिए लोन देते हैं अगर उसके बाद आप लोन नहीं चुका पाए, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ. एक पोर्ट है यहाँ पर हेम्बनटोटा पोर्ट, जो 99 इयर्स के लिए जा चुका है आपके चाइना के हाथ में. देश रहेगा आपका श्रीलंका बट पोर्ट रहेगा किसका, आपके चाइना का. उसके अलावा पाकिस्तान का ये वाला पोर्ट जो यहाँ पर जो जगह है, इसको मैं एक बार आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं. ये जो जगह है पाकिस्तान की यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे बच्चों आपका ग्वादर पोर्ट. एक ग्वादर पोर्ट है जो 40 इयर्स की लीज पर आपका चाइना ले चुका है. जस्ट इमेजिन कि 40 साल एक पोर्ट को अगर यूज किया जाएगा तो क्या वो पोर्ट आपका यूज करने लायक बचेगा या नहीं बचेगा. आप सब समझदार हैं, आपको समझ आता है कि ग्वादर पोर्ट आपके पाकिस्तान के हाथ से ऑलमोस्ट अभी के लिए जा चुका है. लेटर ऑन आपका हम देखते हैं कि चाइना ने एक काम किया कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुका है. अगर हम इधर जाएं तो सेंट्रल एशिया में कनेक्ट हो गया, ईरान से कनेक्टेड है, सऊदी अरेबिया से कनेक्टेड है. इनफैक्ट जो इथोपिया है, इथोपिया से जबौती तक, अगर हम अफ्रीका की बात करें, इथोपिया से जबौती तक स्टूडेंट जो टाइम लगता था पहले वो 3 डेज का टाइम होता था. बट इन्होंने रेलवे कनेक्शन बनाकर इथोपिया और जबौती को आपस में कनेक्ट कर दिया और 12 घंटे का टाइम हो गया. मैं आपको बता देता हूं, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में आ सकती है. 4 देशों को इकट्ठे बोला जाता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका. हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश हैं स्टूडेंट आपके. इसमें है आपका एरिटेरिया, जबौती, उसके अलावा एक है आपका सोमालिया. टेरर अफेक्टेड कंट्री है आपकी सोमालिया. और इसके बाद आता है आपका इथोपिया. इन्होंने क्या किया, इथोपिया से लेकर आपका जबौती तक, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, इथोपिया से जबौती तक का जो रास्ता था वो 3 डेज का था स्टूडेंट. 3 डेज की बजाय अब कितने घंटे लगेंगे यहां पर, सिर्फ और सिर्फ आपके 12 आवर्स. तो चाइना ने हैवी लोन दे चुका है चाइना सब गरीब देशों को. और इसके बदले में चाइना क्या करता है, आपके जिस चीज के लिए लोन दिया है उसी को टेक ओवर करना शुरू कर देता है. इसको हम बोलते हैं आपका डेट ट्रैप.
तो मेन प्रॉब्लम ये है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लोग डेट ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं, क्यों लोग वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते, आईएमएफ के पास नहीं जाते। स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो है ये यूजुअली क्रेडिट वर्दी नेशन को लोन देते हैं या फिर ऐसे ऐसे देशों को लोन देते हैं कि जिनसे जो बिल्कुल ही गरीब देश है उन लोगों को लोन मिलता है, जो थोड़े से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच की कैटेगरी है, जैसे आपका श्रीलंका हुआ, उसके अलावा जिबाउती हुआ, आपका इथोपिया हुआ, इन कंट्रीज को इतना इजी एक्सेस नहीं मिल पाता। और इसका पूरा फायदा उठाया है चाइना ने। चाइना ने इजी लोन लोगों को देने शुरू किए और जब वो पे नहीं करते तो वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिए, अपने ही लोगों को जाकर वहां पर बसा दिया। दिस इज द प्लान ऑफ चाइना। बट अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि एक है हेम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका के अंदर, हेम्बन टोटा पोर्ट में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और सरकार है श्रीलंका की, बट पोर्ट को एक्सेस करता है आपका चाइना। उसके अलावा एक पोर्ट है आपका टूटीकोरिन जो है आपके इंडिया का पोर्ट, इंडिया का पोर्ट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर इसको बनाया है, इंडिया ही इसको एक्सेस करेगा। अब आप मुझे बताइए कि आप हेम्बन टोटा पोर्ट के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या फिर आप एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्टेबल पोर्ट जिसपे कोई कर्ज नहीं है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? डेफिनेटली आप टूटीकोरिन पोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे। अब इसी चीज को दायरे में लेकर आपका अमेरिका आता है। अमेरिका बहुत ही परेशान है चाइना के इस एक्सपेंशन से, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें आ चुके हैं और आपका जो चाइना है वो आपका रिप्लेस कर सकता है वर्ल्ड सुपर पावर के फॉर्म में आपके यूएस को, कि यूएस को रिप्लेस कर दे। अब यूएस ने अपना हथियार निकाला, यूएस ने अपना दिमाग लगाया। स्टूडेंट, यूएस लेकर आता है ब्लू डॉट नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क? आप समझिए ब्लू डॉट नेटवर्क को, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। स्टूडेंट, ये है इंडिया, ये है जापान, ये यहां पर है आपका यूएसए, हवाई आइलैंड हो गया, इधर इस साइड आपका ऑस्ट्रेलिया। जो आप, मैंने आपको बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ज्यादातर कंट्रीज जो फंसी हुई हैं वो है आपके गरीब देश और बहुत ही अंडर डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच के देश है जो उसके साथ फंस चुके हैं। इनफेक्ट जो यूरोप है वो एक एक्सेप्शन है, यूरोप में तो जर्मनी तक आपका रेल लाइन बना चुका है आपका चाइना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आपका यूएस, ये सारे देश ऐसे हैं जो समझते हैं आपकी चालें, आपके चाइना की चालों को। तो इन लोगों ने काम किया, इन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी कहीं पर भी। इन्होंने एक रूल बनाया कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, लेट इट बी कि एक प्रोजेक्ट है आपका इंडिया में यहां पर जिसका नाम है, एक मुंबई पोर्ट की हम बात कर लेते हैं, इंडिया में एक मुंबई पोर्ट है और दूसरा पोर्ट है आपके श्रीलंका में यहां पर जिसका नाम है आपका कोलंबो पोर्ट। अब हमें पता है कि कोलंबो पोर्ट में लेट इट बी चाइना की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और मुंबई पोर्ट वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर बनाया गया एक पोर्ट है, उसके ऊपर काम चल रहा है, और श्रीलंका का जो पोर्ट है वहां पर आपके चाइना का राज ज्यादा चलता है। तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या करेगा बच्चों, ये रैंकिंग देता है कि जो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं कि कोई प्रोजेक्ट कितना सस्टेनेबल है, वहां पर क्वालिटी ऑफ डेट कैसा है। आप इस चीज को समझिए कि अगर ओवरऑल रेटिंग होगी तो ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ किसी और देश ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जगह किसी और देश ने भारी इन्वेस्टमेंट, किसी और देश से मेरा मतलब है यहां पर चाइना, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है तो उसको रेटिंग अच्छी ब्लू डॉट नेटवर्क नहीं देगा अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट उस देश को बर्बाद करने के लिए की गई है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ब्लू डॉट नेटवर्क में कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा बच्चों, ब्लू डॉट नेटवर्क में रैंकिंग या फिर आप ऐसा मानिए रेटिंग दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, सो दैट कि उनके ऊपर कोई भी, किसी भी देश के ऊपर आपका अननेसेसरी प्रेशर ना पड़ जाए। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, सबको समझ आया होगा इसके अंदर। द ब्लू डॉट नेटवर्क इज लेड बाई यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यहां पर पढ़ते हैं, इट इज यूएस इनिशिएटिव टू काउंटर दी
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है स्टूडेंट्स. द ब्लू डॉट नेटवर्क देयरफॉर इज सीन एज अ बेस्ट ऑफ अ यूएसए स्ट्रेटजी टू ट्राइंग परसुएट डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक एंड नॉट रिलाइंग ऑन चाइनीज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसे देश जो चाइना के पैसे पे निर्भर नहीं करते उन देशों के प्रोजेक्ट्स को रेटिंग देगा आपका यूएसए एशिया पैसिफिक में. आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ब्लू डॉट नेटवर्क में यहाँ पर जो जो पैरामीटर है कि सोशली एंड एनवायरमेंटली कोई प्रोजेक्ट कैसा है आपका, ओपन एंड इंक्लूसिवनेस कितना है, किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है. आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आप ऐसा समझते हो किसी ने एक लोन लेके काम शुरू किया और किसी ने अपने पैसे से काम शुरू किया, तो डेफिनेटली रेटिंग जो खुद के पैसे से काम करेगा उसको ज्यादा अच्छी रेटिंग मिलेगी. आई होप ब्लू डॉट नेटवर्क आपको क्लियर हुआ होगा. अब इसकी फॉर्मल चीजें हम देख लेते हैं. 4th ऑफ नवंबर 2019. अब नवंबर का करंट अफेयर है तो आने वाले जितने एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. 4th नवंबर 2019 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम बैंकॉक आपके थाईलैंड के अंदर. याद रखिएगा नवंबर 2019 के अंदर समिट हुई थी बैंकॉक के अंदर, वहां पर इसको फाइनली अनाउंस किया गया था ब्लू डॉट नेटवर्क को. इट इज काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन सिस्टम, यानी कि हर प्रोजेक्ट को एक सर्टिफिकेट देने का काम यहाँ पर किया जाएगा जिसके अंदर मैं आपको बता दिया ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ डेट, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड लेबर स्टैंडर्ड्स. अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट ब्लू डॉट नेटवर्क या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जाकर पूछ सकते हैं. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए. इसके ऊपर हम आपको वीकली वीडियोस भी देंगे, वीकली एमसीक्यूज भी आपको अवेलेबल रहेंगे, प्लस हम आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम्स के लिए है वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.